बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्ची, आलू छोटे कटे हुए, ये मैंने शेंगदाने का पाउडर लिया है जिसे मूंगफली पाउडर भी बोलते हैं, और ये टमाटर, प्याज बारीक कटी हुई, नमक, कांदा लहसुन मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इसमें मैंने लाल मिर्ची और ये तीनों तरह के मसाले लिए हुए हैं। ये थोड़ी तेज़ हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से मिर्ची डालिएगा, क्योंकि जो ये कांदा लहसुन मसाला है इसमें भी मिर्ची होती है। तो आइए हम बनाते हैं शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। तेल लेंगे और तेल को अच्छा गर्म होने पर हम इसे जीरे से पकाएंगे। ये देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे जीरा। और हम डालेंगे प्याज। प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने पर इसमें हम डालेंगे आलू। आलू हम पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि टमाटर जब हम बाद में डालेंगे तो आलू गलने में दिक्कत आती है, तो इसलिए हम पहले तेल में आलू को तल लेंगे तो आलू इजीली हमारे ये गल जाएंगे। ये देखिए हमने आलू तल लिए हैं, अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे ये सभी मसाले। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल देंगे, और इसे थोड़ी देर भूनेंगे। 5 मिनट मसाला भूनने तक देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा दिख रहा है। ये अभी हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी डालकर शिमला मिर्ची और आलू को गलने के लिए रख देंगे, और इसका ढक्कन डाल देंगे। धीमी आंच पर इसको गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी तकरीबन बनने को आई है। अभी हम इसमें डालेंगे शेंगदाना पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, और इसे 5 मिनट और इसको पकने देंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाए और शिमला मिर्ची और शेंगदाना सब सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे कम से कम 5 मिनट और पकाएंगे। आइए देखते हैं हमारी शिमला मिर्ची और आलू गले या नहीं। आलू भी गल गए हैं और ये शिमला मिर्ची भी गल चुकी है। तो चलिए आइए इसे हम सर्व करते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बनके तैयार है शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।